आई ऑडिबल? ठीक है, मैंने रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर दी है। तो हम लोगों ने वैसे तो आज नया चैप्टर स्टार्ट करना था, स्ट्रैटेजीज फॉर द इन्हांसमेंट इन फूड प्रोडक्शन, व्हिच वाज डिलीटेड लास्ट ईयर। लास्ट ईयर के सिलेबस में नहीं था, बट इस साल इंक्लूडेड है। बहुत बहुत इजी है, जनरल नॉलेज का चैप्टर है। तो हम एक 4 o'clock क्लास शेड्यूल करेंगे, उसमें मैं वो चैप्टर स्टार्ट कराऊंगी। ठीक है, तो मैं उसका आपको इनविटेशन सेंड कर दूंगी। एज इफ नाउ, इस टाइम इस लेक्चर में हम एक बार इसी चैप्टर की थॉरो रीडिंग करेंगे। अब तक इस चैप्टर में हमने किया क्या है, मैं एक बार फास्ट रिवीजन ही कराऊंगी। उसके बाद भी कोई डाउट्स हैं या तो चैट में मैसेज करो, या वन बाय वन यहीं पे मुझसे बात कर लेना। ठीक है, तो अपनी बुक कॉपी नोट्स जहां पे भी लिखा है प्लीज उसको साथ रखना। जहां हमने स्टार्ट किया था चैप्टर ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीजेस, एज द नेम इंडिकेट, इसमें हमने अब तक तो आप पढ़ चुके हो, आपको आइडिया होगा इस चैप्टर में क्या था। हेल्थ के बारे में डिस्कस किया था, ठीक है, डिसीजेस के बारे में हमने डिस्कस किया था, हेल्थ क्या है, डिसीजेस क्या है। डिसीजेस जो है आज के टाइम पे हमारी लाइफ का बहुत बड़ा, और कह सकते हो मतलब बहुत जरूरी तो नहीं है, लेकिन एक बहुत बड़ा पार्ट बन चुका है इस टाइम पे डिसीजेस का। ये जो हम यहाँ पढ़ रहे हैं, दैट इज ऑल बिकॉज ऑफ द डिसीज। तो स्टार्टिंग में हमने इसकी हिस्ट्री मैंने पढ़ाई दी आपको। WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, जो आपकी हेल्थ से रिलेटेड जितनी भी गाइडलाइंस हैं इनको रिलीज करता है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन क्या कहता है कि कोई भी ऑर्गेनिज्म का फिजिकली फिट होना, मेंटली फिट होना और सोशली फिट होना इज नोन एज दी हेल्थ। अगर आप सोशली फिट हो, फिजिकली फिट हो, मेंटली फिट हो, तो आप उसको क्या कहोगे, हेल्दी पर्सन। ह्यूमन फिजियोलॉजी के या फिर ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम के जो फादर है वो किसको बोला जाता है, विलियम हार्वे को। ठीक है, हिस्ट्री की अगर हम बात करें मेडिकल साइंस में, तो एंशियंट सोसाइटी में मेडिसिन के बारे में, और इतने बड़े इलाज नहीं थे, किसी को बार कुछ नहीं पता था, उस वक्त ये माना जाता था कि जब डिसीजेज होती हैं वो सिर्फ इसीलिए होती हैं क्योंकि जो गॉड हैं या स्पिरिट हैं वो अपना गुस्सा दिखाते हैं हम पर। तो पुराने जमाने में लोग तांत्रिक के पास जाया करते थे, दिस इज 100% ट्रू, कि उस टाइम पे इस तरह के ट्रीटमेंट्स नहीं थे जो आज की डेट में हैं। धीरे धीरे क्या हुआ, एडवांसमेंट होने लगी। ऐसा बोला जाता था, यहाँ मैंने वर्ड लिखा है, दिख रहा है आपको ये, मैं जहाँ पे मार्क कर रही हूँ, कि पुराने टाइम पे जो डिसीजेज होती थी दैट वॉज बिकॉज ऑफ दी एंगर्ड स्पिरिट। एंगर्ड स्पिरिट का मतलब है कि कोई आत्मा है, कोई कुछ कुछ नाराज हो गई है, तो वो हमें गुस्सा निकालने के लिए क्या करती हैं, बीमारियां देती हैं। बट जैसे जैसे साइंस एडवांस होने लगी, तो साइंटिस्ट ने, बड़े बड़े फिजियोलॉजिस्ट थे, उन्होंने ये डिस्कवर किया कि ऐसा कुछ भी नहीं है। डिसीजेस आर बिकॉज ऑफ दी पैथोजेंस और अबनॉर्मैलिटी इन आवर बॉडी। तो लुईस पाश्चर और रॉबर्ट कॉच, ये दो पहले ऐसे इंसान थे जिन्होंने ये बताया था कि जो और डिसीजेज होती हैं दैट इज बिकॉज ऑफ द पैथोजेंस, ना कि इविल स्पिरिट की वजह से होती हैं। रॉबर्ट कॉच के पोस्टुलेट बहुत फेमस है। रॉबर्ट कॉच ने क्या किया था, एक डिसीज्ड पर्सन से ब्लड लिया, एक डिसीज्ड पर्सन से ब्लड लेकर उस ब्लड, मान लो एक पर्सन मिला उसे जिसे कोई ना कोई डिसीज थी, उनसे ब्लड लिया, उस ब्लड में से पैथोजेंस को आइसोलेट किया। पैथोजेंस क्या होते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, यहाँ पे एमओ का मतलब है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, कि ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो डिसीज कॉज करते हैं, दे आर नोन एज दी पैथोजन। कि उनसे पहले तो ये माना जाता था कि जो डिसीजेज हैं वो इविल स्पिरिट और गॉड की वजह से हैं, लेकिन रॉबर्ट कोच ने सारी की सारी डायरेक्शन ही चेंज कर दी। एक डिसीज पर्सन के ब्लड से पैथोजन आइसोलेट किए। सपोज ये कोई एक पर्सन है, इसके बॉडी में डिसीज के पैथोजन है, ये पर्सन क्या है, हेल्दी। यहां से पैथोजन निकाल कर अगर इसकी बॉडी में डाल दिए जाए तो इसको भी डिसीज हो जाएगी। ये शुरू में डिसीज था और ये हेल्दी था, अभी क्या हो गया, ये पर्सन भी डिसीज हो गया। तो इसका मतलब कोई तो चीज ऐसी है ना जो उसकी बॉडी से दूसरे की बॉडी में अगर हमने ट्रांसफर कर दी तो उसको भी क्या हो गए, सेम सिम्टम्स आ गए। तो इस तरीके से उन्होंने एक्सप्लेन किया था।
रॉबर्ट कॉच के पोस्टुलेट्स बोले जाते हैं, सभी बीमारियों पे ये अप्लाई होते हैं, लेप्रोसी की बीमारियों पे अप्लाई नहीं होते। मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ, बैक्टीरियल डिसीजेस पे रॉबर्ट कॉच के पोस्टुलेट्स अप्लाई होते हैं, वायरल प्रोटोजोआ इन डिसीजेस के ऊपर ये अप्लाई नहीं होते। बैक्टीरियल में भी एक एक्सेप्शन है, लेप्रोसी, लेप्रोसी के बैक्टीरिया पे ये अप्लाई नहीं होते। इसके अलावा सारे बैक्टीरियल डिसीजेस पे ये अप्लाई होते हैं। आपकी प्रिस्क्रिप्शन पे सिंबल सा होता है, लिखा हुआ होता है आर, उसके नीचे एक्स, ये लैटिन वर्ड से बनाया गया है, इसका मतलब है रेसिपी। डॉक्टर दवाई देने से पहले इसको लिखते हैं, इसका मतलब होता है कि टू टेक, मेडिसिन को लेना। अब ये कुछ नेम है नीट के लिए, इंपॉर्टेंट है। रॉबर्ट कोच को बोला जाता है फाउंडर ऑफ मेडिकल माइक्रोबायोलॉजी, हिपोक्रेट्स फादर ऑफ मेडिसिन, लुईस पाश्चर ने दी थी आपकी जर्म थ्योरी ऑफ द डिसीजेस। नेक्स्ट है हिपोक्रेट्स। हिपोक्रेट्स वो पहले इंसान थे जिन्होंने बोला था कि दो चीजों के ऊपर उन्होंने स्ट्रेस दिया था कि एक तो स्पिरिचुअल कोई भी चीजें नहीं होती, स्पिरिचुअल एक्सप्लेनेशन को इन्होंने रिजेक्ट कर दिया था। दूसरा उन्होंने कहा था कि जो डिसीजेज होती हैं ये नेचुरल इम्बैलेंस की वजह से होती हैं, बॉडी में ह्यूमर्स में नेचुरल इम्बैलेंस हो जाती है। हिपोक्रेट्स ने ये बोला था कि विलियम हार्वे ने हमारी बॉडी में ब्लड सर्कुलेशन की डिस्कवरी की थी। यहाँ हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, पहले कुछ नहीं पता था बॉडी में ह्यूमर्स हैं, बॉडी में ब्लड सर्कुलेशन है। सीधा लोगों का ये मानना था कि देवी का प्रकोप होता है, भगवान का प्रकोप होता है, हमें बीमारियां हो जाती हैं। रॉबर्ट कोच ने कहा कि ऐसा कुछ नहीं है, जर्म्स होते हैं, पैथोजेंस होते हैं जो हमें डिसीजेस कॉज करते हैं। फिर हिपोक्रेट्स भी इसके अगेंस्ट हो गए, हिपोक्रेट्स भी क्लियर कहते थे कि स्पिरिचुअल एक्सप्लेनेशन डिसीजेस की होती ही नहीं है। उन्होंने बोला कि हमारी बॉडी के चार कंपार्टमेंट्स के अंदर अलग अलग तरह के फ्लूइड भरे हुए होते हैं। हम डिस्कस कर रहे थे, सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस। हिपोक्रेट्स ने बोला था कि स्पिरिचुअल एक्सप्लेनेशन के वो बिल्कुल अगेंस्ट हैं, प्लस उन्होंने बोला था हमारी बॉडी के अंदर ये चार तरह की ह्यूमर्स होते हैं, ब्लड फ्लेगम, ब्लैक बाइल और येलो बाइल। ये मतलब ब्लड सर्कुलेशन नहीं पता थी, चार तरह के फ्लूड माने जाते थे। ब्लड को एयर से कनेक्ट किया था, फ्लेगम को वाटर से, ब्लैक बाइल को अर्थ से और येलो बाइल को फायर से। चार तत्व जिसको बोलते हैं, ये आपने सुने होंगे आयुर्वेदा में नाम वात पित्त कफ, इनसे रिलेट किया गया था। पहले ऐसा माना जाता था कि अगर किसी इंसान के अंदर आपके बुक में लिखा है ब्लैक बाइल ज्यादा है तो उसका टेम्परेचर हाई जाएगा, उसको फीवर रहेगा। येलो बाइल ज्यादा है तो ऐसा कुछ नहीं होगा, तो ब्लैक बाइल को बोला जाता बैड ह्यूमर और येलो बाइल को बोलते थे गुड ह्यूमर। ऐसा कुछ था नहीं, तो इन्होंने इन सबको, विलियम हार्वे आए उनके बाद, उन्होंने ब्लड सर्कुलेशन की डिस्कवरी की, गुड ह्यूमर बैड ह्यूमर ये सब उन्होंने डिसअप्रूव कर दिया। उन्होंने देखा कि अगर एक इंसान के अंदर ब्लैक बाइल भी ज्यादा है फिर भी उसका टेम्परेचर लो हो सकता है, क्योंकि टेम्परेचर का इन ह्यूमर से रिलेटेड रिलेशन कुछ है ही नहीं। जब कुछ डिस्कवर नहीं हुआ था तो लोग सिर्फ इसी से रिलेट करते थे, गुड ह्यूमर बैड ह्यूमर, ऐसी ऐसी थ्योरीज उस टाइम पे बहुत ज्यादा फेमस थी। इन सब डिस्कवरीज में
आस्क्लेपियस का नाम बहुत फेमस है, उनको गॉड ऑफ हीलिंग कहा जाता है, ग्रीक के गॉड है ये। इन्हीं का वो सिंबल है वो रॉड, और उसपे स्नेक लिपटे हुए होते हैं जो मेडिकल में हम यूज करते हैं। एस्क्लेपियस का एक फेमस स्लोगन था, आई ट्रीट ही क्योर्स, ये कभी कभी कॉम्पिटेटिव एग्जाम में पूछ लेते हैं। हिपोक्रेट्स, क्योंकि उन्होंने बहुत बड़ी डिस्कवरीज की थी, स्पिरिचुअल एक्सप्लेनेशन को हटा दिया था, काफी हद तक साइंटिफिक उस पर वो आ गए थे, ह्यूमर्स पे, ब्लड फ्लेगम, ब्लैक बाइल, येलो बाइल के ऊपर। तो इन्हें इसीलिए जो मेडिकल स्टूडेंट्स एक ओथ लेते हैं, कसम लेते हैं, उसको क्या बोला जाता है, हिपोक्रेटिक ओथ, जिसमें आस्क्लेपियस का भी जिक्र किया जाता है। नेक्स्ट हमने इसमें डिस्कस किया था कि मेंटल हेल्थ और फिजिकल हेल्थ दोनों बहुत जरूरी है। अगर आप मेंटली फिट होगे तभी आप फिजिकली फिट रह सकोगे। हमारी हेल्थ तीन फैक्टर्स पे डिपेंड करती है, जेनेटिक डिसऑर्डर्स, इन्फेक्शंस और लाइफस्टाइल। कि हमें कोई जेनेटिकली पेरेंट्स से कोई बीमारी मिल गई है, दैट इज अ डिफरेंट थिंग। अगर हम ठीक ठाक पैदा हुए हैं लेकिन हमें तरह तरह के इन्फेक्शन हो जाते हैं तो भी हमारी हेल्थ अफेक्टेड हो जाती है। हमारा लाइफस्टाइल कैसा है, हम वर्क कितना करते हैं, रेस्ट कितना करते हैं, कितनी योगा कर रहे हैं, एक्सरसाइजेस कर रहे हैं, इन सारे फैक्टर्स पे हमारी जो हेल्थ है वो डिपेंड करती है। आप गुड हेल्थ को अचीव कैसे करोगे, वेरी बेसिक क्वेश्चन है, आप उसको खुद देख लेना। एक्सरसाइज करके, बैलेंस डाइट लेकर, डिसीजेस के बारे में अवेयरनेस होनी चाहिए, वैक्सीनेशन, ये सब चीजें। डिसीजेस का मतलब, अब तक हमने पढ़ा हेल्थ के बारे में, डिस्कवरीज कैसे हुई, विलियम हार्वे ने ब्लड सर्कुलेशन के बारे में कहा, पहले देवी और आत्माओं से डिसीजेस को जोड़ते थे, कॉच ने जर्म से उसको जोड़ा कि जर्म से बीमारियां होती हैं, जो आज हम बोलते ही हैं और ट्रू भी है। हिपोक्रेट्स ने स्पिरिचुअल एक्सप्लेनेशन को हटाकर ह्यूमर्स की बात करी, ब्लैक बाइल, येलो बाइल की। बॉडी के अंदर चार तरह के फ्लूड्स होते हैं। विलियम हार्वे ने उससे भी अच्छी आगे डिस्कवरी की एक्सप्लेनेशन दी, और उन्होंने बोला कि देयर इज अ ब्लड सर्कुलेशन इन आवर बॉडी, और आज भी उसी के ऊपर ही सारी मेडिकल साइंस बेस्ड है, ब्लड सर्कुलेशन के ऊपर ही। आस्क्लेपियस, गॉड ऑफ हीलिंग, ये कुछ फेमस नेम्स हैं जो आपके कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के लिए बहुत जरूरी हैं। हेल्थ क्या है, गुड हेल्थ को कैसे अचीव करोगे, हेल्थ कौन कौन से फैक्टर से अफेक्टेड होती है, व्हाट डू यू मीन बाय डिसीजेस, आपकी बॉडी का ठीक से काम ना करना, अनईजी फील करना, इज नोन एज डिसीज। डिसीजेज ऐसी भी हो सकती हैं जो तुरंत एक दूसरे से फैल जाती हैं, इन्फेक्शियस, जस्ट लाइक COVID-19, जिसकी वजह से हम घरों में बैठे हैं। नॉन इन्फेक्शियस, जो एकदम से जल्दी से दूसरों को नहीं होती, कैंसर, हार्ट डिसीजेस, कोई न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी आ गई, कैल्शियम की कमी होगी, तो ये कॉन्टेजियस नहीं है, एक दूसरे से फैलती नहीं है। डिसीजेस जब वर्ड आता है तो दो नाम हमारे साथ आते हैं, साइन एंड सिम्टम्स। सिम्टम्स का मतलब क्या होता है और साइंस का मतलब क्या होता है, कि ऐसी चीजें जो बीमार इंसान के अलावा दूसरा भी देख सकता है, दे आर नोन एज द साइन। सिम्टम्स वो होते हैं जो वो इंसान खुद फील करता है, जैसे वॉमिट हो रही है, चक्कर आ रहे हैं, फीवर है, टायर्डनेस है, वो उसे खुद को फील हो रही है, दीज आर द सिम्टम्स। बट उसकी आंखों के नीचे काले घेरे हो गए हैं, बहुत कमजोर हो गया है, चल नहीं पा रहा, जो दूसरा देख पा रहा है उससे, अरे तुम्हें क्या हो गया, तो वो क्या है उसके साइंस। तो जो दूसरा देख पा रहा है साइंस, जो हम खुद फील करते हैं बीमार होने पर, दीज आर दी सिम्टम्स। डिसीज कॉजिंग ऑर्गेनिजम्स, इनको हम क्या बोलते हैं, पैथोजेंस। ये जो पैथोजेंस हैं ये बहुत तरीके के हो सकते हैं, बैक्टीरिया, वायरस, फंगस, ये सब क्या है, पैथोजेंस। इनोकुलम का मतलब क्या होता है, दैट मिनिमम अमाउंट ऑफ द पैथोजन विच कैन इनिशिएट द डिसीज इन द बॉडी। इसको मैं ऐसे समझाया था मैंने आपको, मान लो एक दो बैक्टीरिया बॉडी में एंटर कर जाते हैं तो कोई खास फर्क नहीं पड़ता, हर बैक्टीरिया का अपना एक इनोकुलम है। जैसे टाइफाइड साल्मोनेला टाइफी से होता है, उसका इनोकुलम होता है 1 लाख बैक्टीरिया। इसका मतलब है जब तक साल्मोनेला टाइफी बॉडी के अंदर 1 लाख नहीं हो जाता, तब तक हमें टाइफाइड के सिम्टम्स नहीं आएंगे। ऐसा देखिए कि हमें इन्फेक्शन नहीं, डेली बेसिस पे हमें इन्फेक्शन होते हैं, लेकिन जब तक किसी पैथोजन का इनोकुलम जितना नंबर हमारी बॉडी में नहीं बढ़ जाता, तब तक हमको डिसीज नहीं हो सकती। इंक्यूबेशन पीरियड का मतलब क्या होता है, उसको डिसीज कॉज करने के लिए कितना वक्त चाहिए। मतलब आज हमें इन्फेक्शन हुआ, 7 दिन बाद बुखार आने लगा, पेट खराब होने लगा, तो ये जो 1 to 7 days का पीरियड था, दैट इज द इंक्यूबेशन पीरियड। हर पैथोजन का इनोकुलम अलग होगा, हर पैथोजन का इंक्यूबेशन पीरियड अलग होता है, और ये दोनों चीजें हर इंसान की इम्यूनिटी पे भी डिपेंड करती हैं कि उसकी पावर कितनी है। कई लोग जल्दी बीमार पड़ते हैं, कई देर से बीमार पड़ते हैं, क्योंकि सबकी अपनी अपनी जो पावर है, इम्यूनिटी है, डिसीजेस से फाइट करने की जो एबिलिटी है वो क्या है, डिफरेंट है।
पैथोजन हमें डिसीजेस कॉज कैसे करते हैं, हमारी बॉडी में एंटर करते हैं, गंदे खाने से एंटर कर सकते हैं, गंदे पानी से, कंटेमिनेटेड फूड, कंटेमिनेटेड वाटर, ब्रीदिंग से, स्नीजिंग ड्रॉपलेट, जैसे COVID-19 फैल रहा है, ब्लड के थ्रू कैसे भी एंटर कर सकते हैं। फिर ये हमारी बॉडी में आके मल्टीप्लाई करते हैं, मल्टीप्लाई करके अपनी पॉपुलेशन इतनी बढ़ा देते हैं कि वो अपन के इनोकुलम तक पहुंच जाए, फिर जाके ये हमारी बॉडी की एक्टिविटीज को अटैक करते हैं। मॉर्फोलॉजिकल और फंक्शनल दोनों हमारी बॉडी को डैमेज आने लगता है, राइट। अब ये जो पैथोजन जब हमारी बॉडी में एंटर करते हैं तो इनका पहला काम क्या होता है कि किसी तरीके से अपने आप को बचा के रखना है। चोर अगर घर में घुसा तो चोर चोरी तब करेगा ना जब वो बचेगा, तो पहला काम तो उसका होगा ना डिफेंस, अपने आप को बचाना, तब जाके वो चोरी करेगा। इन द सिमिलर वे पैथोजन्स बॉडी में एंटर तो करते हैं, पहले वो रास्ता ढूंढते हैं कि वो खुद कैसे बचेंगे, पहले खुद को बचाएंगे फिर वो रिप्रोड्यूस करेंगे ना। जैसे एग्जांपल है यहाँ पे टेप वॉर्म एज द नेम इंडिकेट, ये टेप की तरह होते हैं, ये हमारी इंटेस्टाइन के अंदर जाके स्टिक हो जाते हैं, चिपक जाते हैं और उससे नरिशमेंट लेते रहते हैं। इतने थिन होते हैं, टेप की तरह होते हैं कि ये इम्यून सिस्टम से बच जाते हैं। हेलिकोबैक्टर पायरोलाई, ये अल्सर और एसिडिटी करता है। ये क्या करता है, स्टमक में ऑलरेडी एचसीएल होता है, ये स्टमक में म्यूकोसा के अंदर जाके हाइड हो जाएगा। हाइड होने के बाद क्या करेगा, वहां पे धीरे धीरे बॉडी को डैमेज कॉज करता जाएगा। जैसे मान लो ये स्टमक की म्यूकोसल लाइनिंग है, ठीक है। अब अगर यहाँ पे आ रहा है हेलिकोबैक्टर पायरोलाई तो वो म्यूकोसा के अंदर जाके हाइड हो जाएगा, राइट। हाइड होने के बाद वो उसको धीरे धीरे डैमेज कॉज करना स्टार्ट कर देगा। तो ये फर्स्ट क्या हुआ, अपना डिफेंस ढूंढते हैं, फिर जाके ये क्या करेंगे, रेप्लिकेट। अब हमें यहाँ पर ये सारा इंट्रोडक्टरी पार्ट था, हेल्थ क्या है, डिसीजेस क्या है, पैथोजेंस क्या होते हैं, इनोकुलम क्या है, इंक्यूबेशन पीरियड क्या है, क्योंकि रिविजन हमें थोड़ा फास्ट चल रहा है, उसको आप फिर से अच्छे से रीड कर लेना, फिर भी नहीं होता तो हम एक अभी रिविजन हमारी बहुत बार होंगी इस चैप्टर की। साल्मोनेला टाइफी है, साल्मोनेला टाइफी टाइफाइड कॉज करता है। इसकी सबसे बड़ी खासियत ये है कि ये उन सेल्स पे कभी भी अटैक नहीं करता जो इम्यून सिस्टम की, क्योंकि पता है कि ये तो चोर कभी पुलिस पे अटैक क्यों करेगी। इन द सिमिलर वे साल्मोनेला टाइफी जो है वो इम्यून सिस्टम के ऊपर अटैक नहीं करता ताकि उनसे बचा रहे। तो हमें 11 डिसीजेस टोटल यहाँ पे पढ़नी है, ठीक है। इनमें कुछ एक्स्ट्रा भी है एनसीईआरटी के अलावा, हम टाइफाइड, निमोनिया, डिजेंट्री, प्लेग, डिफ्थीरिया, ये है आपकी बैक्टीरियल डिसीजेस। वायरल में आती है वायरस से कॉज होने वाली कॉमन कोल्ड एंड फ्लू, COVID-19 भी इसमें आता है। प्रोटोजोआ में आते हैं मलेरियल डिसीजेस, और वॉर्म से कॉज करने होने वाली डिसीजेज है स्कैरिस एंड एलिफेंटियासिस, ये कीड़ों से होती हैं। फंगस से होने वाली है रिंग वॉर्म। तो आपको क्या करना है, बैक्टीरियल डिसीजेस के बारे में पढ़ना है, वायरल, प्रोटोजोआ, वॉर्म से होने वाली और फंगस से होने वाली, इन डिसीजेस को डिटेल में करना है। रुडोल्फ वर्चाउ को बोला जाता है फादर ऑफ मॉडर्न पैथोलॉजी। जितने भी नेम है नीट के लिए बहुत जरूरी है। पैथोजन हमें दो तरीके से अटैक करता है, या तो हमारी बॉडी को डायरेक्टली डैमेज करेगा या कोई ना कोई टॉक्सिन्स को रिलीज करेगा। अब अगर वो टॉक्सिन रिलीज करता है तो एक्सोटॉक्सिन हो गए, अगर वो खुद ही टॉक्सिन की तरह काम करने लग जाता है तो वो क्या है, एंडोटॉक्सिन। इसमें इतनी डिटेल में आपको जाने की नीड नहीं है, आपको इतना पता होना चाहिए इनोकुलम, इंक्यूबेशन पीरियड, साइन और सिम्टम्स क्या है, पैथोजन किसको कहते हो आप, राइट। पैथोजन जब हमारी बॉडी में आता है तो पूरा टाइम लेता है मल्टीप्लाई होने का, तो उस टाइम पीरियड को बॉडी में आना और फिर डिसीज फैलाना, इसके बीच का जो वक्त है दैट इज नोन एज द इंक्यूबेशन पीरियड। बैक्टीरिया से होने वाली डिसीजेस, वायरस से होने वाली, फंजाई से होने वाली, वॉर्म से होने वाली और प्रोटोजोआ से होने वाली, ये डिसीजेस आप डिटेल में पढ़ोगे। इनके सबके पॉजिटिव एजेंट्स आपको टिप्स पे होने चाहिए। टाइफाइड इज कॉज्ड बाय साल्मोनेला टाइफी, निमोनिया इज कॉज्ड बाय स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी। निमोनिया वायरस से भी होता है और बैक्टीरिया से भी होता है, बट कॉमनली ये बैक्टीरिया से ही होता है। इवन COVID-19 जो है वो भी एक तरह का निमोनिया ही है, राइट। प्लेग किससे होता है, यर्सिनिया पेस्टिस से, डिफ्थीरिया कोरिनी बैक्टीरियम डिफ्थीरी से, डिजेंट्री होता है अमीबा से,
हो सकती है और बैक्टीरिया से भी हो सकती है, लेकिन अपने यहाँ जो होती है वो बैक्टीरियल डिजेंट्री है। डिजेंट्री वर्ड जहां भी आ जाए, एक चीज ध्यान रखना, पेट का खराब होना, लूज मोशंस जिसको दस्त बोलते हैं, वॉमिटिंग, ये सब होता है डिजेंट्री के अंदर। इंडिया में सॉरी, जो डिजेंट्री होती है वो अमीबिक है, एंटामीबा आइसोलेटिका, बैक्टीरियल डिजेंट्री नहीं होती है। शिगेला बैसिलस जो बैक्टीरिया इंडिया के एनवायरमेंट में ग्रो करता ही नहीं है। मेरे पास अभी इन डिसीजेस की डिटेल नहीं है, आपके पास है, मैंने डिटेल में कराई थी, इसको वहां से एक बार खुद से रीड कर लेना। दो डिसीजेस हमने बहुत डिटेल में पढ़ी थी, एड्स एंड कैंसर। एड्स में आपकी बॉडी इम्यूनो डेफिशिएंट हो जाती है। मेन मेन चीजें मैं इसमें बता देती हूँ कि एड्स का जो वायरस है HIV, ये मैक्रोफेजेस पे अटैक करता है और टी सेल पे अटैक करता है। मैक्रोफेजेस को मारता नहीं है, लेकिन टी सेल्स को मारता जाता है, इसीलिए टी सेल का नंबर जो है वो बॉडी में बहुत ज्यादा डाउन चला जाता है। इम्यूनो डेफिशिएंट हो जाता है इंसान, उसको तरह तरह के इन्फेक्शन होने लगते हैं, इसीलिए इसको क्या बोला गया था, सिंड्रोम, कि इसमें बहुत अलग अलग तरीके के सिम्टम्स आते हैं। एक हमने कैंसर के बारे में पढ़ा था इस चैप्टर के अंदर। कैंसर में यही था कि अनकंट्रोल्ड, कैंसर खुद एक बीमारी नहीं है, कोई म्यूटेशन आ जाती है, कार्सिनोजन आ जा जाते हैं, वो क्या करते हैं कि रैपिडली कॉन्टिन्यूसली सेल डिवाइड होती है, सेल का ब्रेक खत्म हो जाता है, सेल ब्रेक नहीं कर पाती, रुक नहीं रुकती नहीं है डिवीजन में, तो लम्ब्स बन जाते हैं, गांठें बन जाती हैं, दैट कंडीशन इज नोन एज दी कैंसर। मैंने बताया था आपको कैंसर को डायग्नोज कैसे करोगे, ब्लड से भी कर सकते हो, ब्लड कैंसर के केस में इंटरनल ऑर्गन में आ गया है तो एक्सरे, सीटी स्कैन, MRI करवा सकते हैं, ठीक है, और बायोप्सी कर सकते हैं, कोई गांठ विजिबल है तो उससे सैंपल लेकर सेल का पता लगा सकते हैं कि नॉर्मल सेल है या फिर कैंसरस सेल है। दूसरा हमने पढ़ा था कि कैंसर का ट्रीटमेंट क्या है, थेरेपीज दी जाती हैं, कीमोथेरेपी, रेडियोथेरेपी एंड इम्यूनोथेरेपी। कीमो में केमिकल्स इंजेक्ट करते हैं, रेडियोथेरेपी में रेडिएशन दी जाती हैं, इम्यूनो में ऐसे सब्सटेंसेस दिए जाते हैं जो आपके इम्यून सिस्टम को एक्टिव करते हैं, जस्ट लाइक इंटरफेरोंस। जब आप रेडिएशन थेरेपी देते हो तो ध्यान रखना होता है कि रेडिएशन में ज्यादातर एक्सरेज यूज होती हैं, रेज सिर्फ उसी जगह पे दी जाएंगी जहां पे वो गांठ लंप है, अदरवाइज जैसे आप किसी पर्सन को, ये आम है उसकी और इस एरिया में उसके कैंसर है, अगर उसको एक्सरेज दी जा रही हैं तो मेक श्योर रेडिएशन थेरेपी में एक्सरेज इतने एरिया में ही होनी चाहिए, अगर आसपास के एरिया में रेडिएशन जाती हैं तो वो कैंसर बना भी सकती है, क्योंकि एक्सरेज जहाँ ट्रीटमेंट में यूज हो रही है वहीं एक्सरे कैंसर कॉजिंग भी तो है, तो वो ध्यान रखना है कि वो उस पर्टिकुलर एरिया पे ही रेडिएशन जानी चाहिए। दूसरा हमने इस चैप्टर में एक टॉपिक पढ़ा था, वेरी इंपॉर्टेंट, डिसीजेस एंड इम्यून सिस्टम, इस चैप्टर के ही सबसे बड़े इंपॉर्टेंट है ये। इम्यून सिस्टम क्या होता है, ऐसा सिस्टम जो हमारी बॉडी में डिसीजेस से फाइट करने में हमारी मदद करता है, जस्ट लाइक पुलिस स्टेशन, पुलिस की तरह, उसको हम क्या बोलते हैं, इम्यून सिस्टम। इम्यून सिस्टम के काम क्या है, फॉरन से कोई पार्टिकल आया उसको रिकॉग्नाइज कर लो, एंटीजन कुछ भी आ रहा है अंदर, कोई एलर्जन, कोई कुछ भी ऐसा एंटर आया तो उसको रिकॉग्नाइज करना है, उसके अगेंस्ट एंटीबॉडीज बनानी है, मेमोरी को भी रखना है भी कल को दोबारा ये इन्फेक्शन ना हो, कोई एलर्जी हो गई तो रिस्पॉन्ड करना है, कोई ऑर्गन ट्रांसप्लांट हो गया तो ध्यान रखना है, ऑटो इम्यून डिसीजेस से बचाना है, कुल मिला के जितनी भी बीमारियां आप पढ़ सकते हो, जान सकते हो, ये सब किससे रिलेटेड है, इम्यून सिस्टम से। इम्यून सिस्टम वो हर कोशिश करता है कि वो हमें इससे बचा सके। जब आप सिस्टम के बारे में पढ़ते हो, ऑर्गन सिस्टम्स के बारे में, तो ऑर्गन सिस्टम्स का मतलब हो, ऑर्गन सिस्टम किससे मिलकर बना होता है, एक ऑर्गन से, ऑर्गन किससे मिलकर बने हैं, टिश्यूज से, टिश्यूज किससे मिलकर बनी है, सेल से, और सेल्स किस क्या रिलीज करती हैं, एंटीबॉडीज, ये वही ऑर्गेनाइजेशन है, बायोमोलिक्यूल्स, बायोमोलिक्यूल्स मिलकर बनाते हैं सेल्स, सेल्स मिलकर टिश्यूज, टिश्यूज मिलकर ऑर्गन, और ऑर्गन मिलकर ऑर्गन सिस्टम। तो यहाँ हम वन बाय वन इन सबको डिस्कस करेंगे। फर्स्ट है लिम्फोइड ऑर्गन। लिम्फोइड ऑर्गन दो टाइप के होते हैं, प्राइमरी और सेकेंडरी, मैंने बहुत अच्छे से आपको समझाया था। प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन, ऑर्गन्स में क्या है, टिश्यू, टिश्यू में सेल, सेल में एंटीबॉडीज। यहां से आप स्टार्ट करोगे सेल से, ये सेल्स जिस ऑर्गन में बनती हैं वो क्या है, लिम्फोइड ऑर्गन। सेल्स कौन सी हैं, बी सेल्स और टी
टी सेल्स, इसको इसी तरीके से आपको लर्न करना है। इम्यून सिस्टम में ऑर्गन्स हैं, टिश्यूज हैं, सेल्स हैं, और बायोमोलिक्यूल्स के तौर पे क्या है, एंटीबॉडीज। ठीक है, अब जहां ये सेल्स बनती हैं वो ऑर्गन्स क्या है, लिम्फोइड ऑर्गन्स। सेल कौन सी है, बी सेल्स और टी सेल्स, बी लिम्फोसाइट्स और टी लिम्फोसाइट्स। ये ऑर्गन्स को दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं हम, प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन और एक सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन। प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन वो ऑर्गन्स हैं, ध्यान देना यहाँ पे, यहाँ सिर्फ सेल्स को बनाया जाता है, बी सेल्स टी सेल्स को, और मेच्योर किया जाता है, दैट्स इट। ये सेल्स यहाँ पे कभी भी काम नहीं करती, दिस इज नॉट द वर्किंग एरिया, दिस इज ओनली प्रोडक्शन एरिया। यहाँ वो सेल्स पैदा भी होती हैं, मेच्योर भी हो जाती हैं, बट ये वर्क यहाँ पे नहीं करती। फिर आते हैं सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन्स। आप ये लगा लो कि टोटल, फॉर एग्जाम्पल, एक रेंडम एग्जाम्पल ले लो, 10 ऑर्गन्स हैं जो मिलके क्या बना रहे हैं, एक ऑर्गन सिस्टम। उस 10 में से दो सिर्फ ऐसे हैं जहां सिर्फ सेल्स बनती हैं और मेच्योर होती हैं, बाकी जो सारे ऑर्गन्स हैं वहां आके ही काम करती हैं। ये इनका प्रोडक्शन एरिया है और ये इनका क्या है, वर्किंग एरिया, राइट। तो ये चीजें ध्यान रखनी है। आपके प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन्स में आते हैं बोन मैरो एंड थाइमस। हब होता है बोन मैरो। जितनी भी हमारे शरीर में सेल्स हैं वो बनती कहाँ है, बोन मैरो में। जो तो सेल्स यहीं पे आके मैच्योर रहे, बोन मैरो में ही बनी और बोन मैरो में ही जाके मैच्योर हो गई, उनको तो नाम देते हैं बी सेल्स का। ठीक है, और जो बनके बोन मैरो से थाइमस में चली जाती हैं वो क्या कहलाती है, टी सेल्स। बी से बोन मैरो, बी से बी सेल्स, टी से थाइमस, टी से टी सेल्स। स्प्लीन, टॉन्सिल्स, लिम्फ नोड्स, पियर पैचेस, ये सब आपके क्या है, सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन। यहाँ ये सेल्स बनती हैं, यहाँ आके फिर ये काम करती हैं। ये एक हाइपोथेटिकल सा डायग्राम है। टॉन्सिल्स कहाँ होते हैं, आपके गले के अंदर, ठीक है। स्किन भी एक तरह से आपका बैरियर है। थाइमस यहाँ चेस्ट के पास, ब्रेस्ट बोन के पास होता है थाइमस। बाइलॉब स्ट्रक्चर है, ये दिखाई दे रहा है, दो लोब्स हैं यहाँ पर। स्प्लीन आपके अपर एब्डोमेन में बीन की तरह दिखाई देता है, लेफ्ट साइड पे होता है। पियर पैचेस इंटेस्टाइन में होते हैं। ग्रोइन वर्ड बार बार आएगा, जी आर ओ आई एन, ग्रोइन। ग्रोइन का मतलब होता है, ग्रोइन इसका मतलब है आर्मपिट। ये जो आपके बाजुओं के नीचे अंडर आर्म्स का एरिया होता है, सॉरी, ये है आर्मपिट। ग्रोइन रीजन होते हैं जहां से आपकी थाइस शुरू होती है, ये वाला एरिया जहां से हमारी लेग्स शुरू होती हैं, दैट रीजन इज नोन एज ग्रोइन। तो ग्रोइन में, आर्मपिट में, ये जगह जगह क्या प्रेजेंट होती है, लिम्फ नोड्स। फिर से मैं रिपीट कर रही हूँ, लिम्फोइड ऑर्गन्स मेन है आपके। इम्यून सिस्टम के बारे में पढ़ोगे, पुलिस स्टेशन की तरह काम करता है, डिसीजेस से फाइट करता है, ये इसके फंक्शंस हैं। इस सिस्टम के अंदर ऑर्गन्स होते हैं, ऑर्गन्स को दो पार्ट में डिवाइड किया गया था, प्राइमरी एंड सेकेंडरी। वो ऑर्गन जहाँ सेल्स बनती है और मेच्योर होती है वो प्राइमरी है, जहाँ आके वो काम करती है वो क्या है, सेकेंडरी। अभी मैं ऑर्गन्स को सारा डिटेल में पढ़ोगे। बोन मैरो कहाँ है, लॉन्ग बोन्स के अंदर। थाइमस कहाँ है, चेस्ट के अंदर, चेस्ट की बोन के पास, सॉरी। स्प्लीन कहाँ होता है, एब्डोमेन के अपर एरिया में, हाफ लेफ्ट साइड पे। स्प्लीन का काम होता है, जैसे देखो बोन मैरो में बी सेल्स बन गई, फिर थाइमस के अंदर टी सेल्स बन गई। थाइमस के अंदर क्या बन गई, टी सेल्स। प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन्स और क्या है, सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन। प्राइमरी में क्या आता है, बोन मैरो और क्या आते हैं, थाइमस, राइट। सेकेंडरी में क्या आ गया आपके, स्प्लीन है, टॉन्सिल्स हैं, पियर्स पैचेस हैं, बहुत सारे हमने नाम पढ़े थे। अब बोन मैरो ने क्या बना दी, बी सेल्स। जो थाइमस में मैच्योर बनाई, बोन मैरो में बी भी हैं और टी सेल्स भी हैं, लेकिन क्योंकि टी सेल्स यहाँ आके मैच्योर होती हैं तो वो क्या कहलाती हैं, टी सेल्स। अगर वो वहीं मैच्योर हो जाती तो वो भी बी सेल्स ही कहलाती। अब मान लो बॉडी में इम्यून सिस्टम पुलिस स्टेशन की तरह पूरी बॉडी में फैला होता है, ब्लड सर्कुलेट हो रहा था हमारी बॉडी के अंदर, ठीक है। ब्लड के अंदर कोई पैथोजन आ गया,
अगर ब्लड के अंदर कोई पैथोजन आ गया तो स्प्लीन क्या करेगा, फटाफट उस ब्लड में जो पैथोजन आया है, ये मान लो एक पैथोजन था, इसको स्प्लीन ने क्या किया, ट्रैप कर लिया, ये स्प्लीन है फॉर एग्जाम्पल। स्प्लीन क्या करेगा, फटाफट बी सेल्स को, टी सेल्स को बुलाएगा और कहेगा यहाँ पे आके फाइट करो इससे और इसको किल करो। तो यही बात हुई ना कि बोन मैरो और थाइमस, तो वहां सिर्फ प्रोडक्शन एरिया थे, बी सेल्स बन रही थी, टी सेल्स बन रही थी, लेकिन इन्होंने काम जाके कहाँ किया, जहां भी इनकी जरूरत थी। सपोज आपने सांस ली, ब्रीथ कर रहे हो आप, गले में टॉन्सिल्स हैं, एयर के थ्रू कोई पैथोजन आपकी बॉडी में एंटर कर गया, राइट। अब टॉन्सिल आप, ये आपका मान लो गला है, इस यहाँ पे आके आपके क्या है, टॉन्सिल। ये गला थोड़ा मशरूम की तरह दिखाई दे रहा है, ये मान यहाँ पे आके टॉन्सिल्स हैं, टॉन्सिल ने क्या किया, पैथोजन को ट्रैप कर लिया। अब टॉन्सिल में क्या शुरू हो जाएगी, स्वेलिंग। टॉन्सिल फिर किसको बुलाएंगे, बी सेल्स को और टी सेल्स को, फिर ये आके वहां पे फाइट करेंगे। तो इन शॉर्ट ये क्या काम हो रहा है हमारी बॉडी में, जगह जगह ये ऑर्गन्स फैले हुए हैं, ये क्या करते हैं, इनका जहां जहां जिससे स्प्लीन का ब्लड रिलेटेड काम है तो ब्लड से पैथोजन रोक लेगा, टॉन्सिल का गले में काम है तो एयर वाले पैथोजन को रोकेगा, पियर पैचेस इंटेस्टाइन में है तो फूड में कोई पैथोजन आए तो रोक लिया। जैसे ही पैथोजन को ट्रैप करते हैं ये स्वेल हो जाते हैं, सूजन आते ही बी और टी सेल्स को इंडिकेशन मिल जाता है कि वहां पे जाके अटैक करना है, वहां पे कोई ना कोई पैथोजन है। तो ये इस ऑर्गन्स की डिटेल लिखी हुई है, आपको पता होना चाहिए कि ये ऑर्गन्स बॉडी के किस जगह पे और ये क्या काम करते हैं, ठीक है। बी और टी सेल्स के बारे में आपको बता दूं, ये जो आप क्या करोगे, इम्यून सिस्टम में ऑर्गन्स की डिटेल पढ़ोगे, ठीक है, टिश्यूज में माल्ट के बारे में पढ़ोगे। सेल्स आपकी दो तरह की होती हैं, बी सेल्स और टी सेल्स। बी सेल्स का मतलब है जो बोन मैरो में है, और टी सेल्स का मतलब है जो थाइमस में मैच्योर होती है। बी सेल्स एंटीबॉडीज बनाती हैं, लेकिन टी सेल्स एंटीबॉडीज कभी नहीं बनाती, ये सिर्फ इसकी मदद करती है, हेल्पर होती है। एंटीबॉडीज 5 तरह की होती है, मैं आपको बता चुकी हूँ, इम्यूनोग्लोबुलिन्स भी कहते हैं। बी सेल की स्पेशलिटी ये है कि ये तब एक्ट करती हैं, नेहा आपका क्वेश्चन है, मैं थाइमस में सेल की प्रोडक्शन नहीं होती, सिर्फ मैच्योरेशन होती है, ये ट्रू है, लेकिन कुछ कुछ टी सेल्स वहां पे भी बनती हैं, अदरवाइज जो मैक्सिमम जो प्रोडक्शन है वो बोन मैरो में ही है। आप कह सकते हो कहीं रिपोर्टेड है भी नहीं कि टी सेल में प्रोडक्शन होती है, बी में सारी, बोन मैरो में सारी की सारी प्रोड्यूस होती है, वो सिर्फ मेच्योर होती है थाइमस के अंदर। बच्चों में टी सेल्स बहुत ज्यादा होती हैं क्योंकि उनका थाइमस इसीलिए बड़ा होता है, लेकिन बड़े होते होते उसकी जरूरत बहुत ज्यादा कम होती जाती है, तो उनका थाइमस जो है वो छोटा होता जाता है। बी सेल्स एंटीबॉडीज बनाती हैं और ये छोटी मोटी इलनेस में काम करती है, आपको फीवर हो गया, कोई इन्फेक्शन हो गया, बट अगर कुछ बड़ा होता है जैसे कि ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन, आप ये लगा लो बैक्टीरिया, फंगस, वायरस, छोटा मोटा कोई बॉडी के अंदर आ रहा है तो बी सेल उससे लड़ लेंगी। एक बड़ा ऑर्गन किसी बॉडी का उठा के आपकी बॉडी में लगाया जा रहा है तो कब कब तक काम करती है टी सेल्स, ठीक है। अब जो बी सेल्स हैं वो एंटीबॉडीज बनाती हैं, तो इसीलिए इनके रिस्पॉन्स को कहा जाता है ह्यूमोरल इम्यून रिस्पॉन्स। ह्यूमोरल का मतलब होता है ब्लड, एंटीबॉडी ब्लड में सर्कुलेट करती है ना। टी सेल्स को बोला जाता है सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी, क्योंकि सेल्स यहाँ पे खुद ही काम करती हैं, ठीक है। ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन के टाइम पे टी सेल्स हाईली एक्टिव रहती हैं, ये रिजेक्ट मार देती हैं कई बार ऑर्गन्स को, तो इसीलिए एमएचसी मैच किए जाते हैं। मैंने डिस्कस किया था मेजर हिस्टोकंपैटिबिलिटी कॉम्प्लेक्स, साथ साथ जिसको ऑर्गन ट्रांसप्लांट किया जाता है उसको इम्यूनो सुप्रेसेंट दवाइयां खिलाई जाती हैं ताकि उनका इम्यून सिस्टम जो है वो सुप्रेस रह सके, एक्टिव ना हो बहुत ज्यादा। 1 मिनट रह गया इसका। बी और सी टी सेल्स के अंदर ये डिफरेंस आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा, मेन आपको ऑर्गन्स, टिश्यूज, सेल्स और एंटीबॉडीज। एंटीबॉडीज हम डिटेल में पढ़ चुके थे, स्ट्रक्चर कैसा होता है, 5 तरह की होती हैं। सेल्स कितनी है, 2 टाइप की, बी सेल्स, टी सेल्स। टिश्यू में पढ़ा था माल्ट, म्यूकोसा एसोसिएटेड लिम्फॉइड टिश्यूज जो म्यूकस के अंदर प्रेजेंट होते हैं। लिम्फॉइड ऑर्गन में क्या है, प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन और सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन। ये प्राइमरी जो है ये बॉन्ड सिर्फ सेल्स की प्रोडक्शन करते हैं, लेकिन